हेलो एवरीवन, जय हिंद। वंदे मातरम। ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस रामबाण सीरीज के माध्यम से हम जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करेंगे और हर सब्जेक्ट को इसमें हम रखेंगे। जैसे कुछ इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, एनवायरमेंट के क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें हम इस सीरीज में रखने वाले हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की सीरीज जो डेली आपकी चलती थी, जो 30 मिनट का डेली शो चलता था, उस सीरीज को भी हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो पिछले 1 साल की हैं उनको पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हर क्वेश्चन हमारा एग्जाम में उसी में से आ जाए। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज में, आज इस वीडियो में हम लोग जीएस को शुरू करने वाले हैं, ताकि एक जीएस का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमको बाहर से आया हुआ ना लगे। इसमें हम कुछ नए क्वेश्चन को रखने की कोशिश भी करेंगे प्रीवियस ईयर के अलावा, ताकि हम लोगों का चाहे नया क्वेश्चन बने चाहे वो पुराना क्वेश्चन रिपीट होकर आए, सारे क्वेश्चन हो सकें। चलिए अब हम शुरू करते हैं सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, उस क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो जिनको आंसर्स आते हैं वो इनके आंसर्स दे भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन अच्छे से आपको रिवाइज करना है। एक एक क्वेश्चन लिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चनों से लेके हम मॉडरेट और टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन देखिए। और पहला ऑप्शन है बाला, दूसरा लहना, तीसरा मर्दाना और चौथा श्रीचंद। तो इसका आंसर होगा लहना। लहना, और इन्हीं लहना को अंगद देव के नाम से जाना जाता है, और अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था गुरु नानक देव ने। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लहना। इनको भाई लहना भी कहा जाता है। तो लहना को गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरु, और उन 10 गुरुओं में से पहले गुरु गुरु नानक देव थे और दूसरे गुरु का नाम था अंगद देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? तो गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि आपने देखी होगी, पंजाबी में जो चीजें लिखी रहती हैं वो गुरुमुखी लिपि में ही होती हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है कि गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किस गुरु ने किया था, इनमें से किसने किया? तो इसमें आंसर आपका होगा अंगद देव ने, जिनको लहना के नाम से जानते हैं। अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था, और अंगद देव को किस नाम से जानते हैं हम लोग? लहना। और गुरु नानक देव ने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2 गुरु हमने देख लिए, 10 गुरु में से 2 गुरु हो चुके हैं, एक गुरु नानक देव हो चुके हैं और दूसरा गुरु अंगद देव हो चुके हैं, जिनको लहना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो कौन से सिख गुरु थे जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो उनका नाम है रामदास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रामदास। और रामदास सिखों के चौथे गुरु हैं, ये ध्यान रखिएगा, सिखों के चौथे गुरु। तो इसका मतलब हमने पहले गुरु पढ़ लिए, दूसरे गुरु पढ़ लिए और चौथे गुरु पढ़ लिए, तीसरे गुरु रह गए हैं। तीसरे गुरु का नाम था अमरदास। तो कितने गुरु हो गए सिखों के, गिनते भी जाइएगा। इनका सही क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रम पूछा जा सकता है। पहले गुरु गुरु नानक देव है, दूसरे गुरु का नाम गुरु अंगद देव है, तीसरे गुरु गुरु अमरदास है और चौथे गुरु का नाम गुरु रामदास है। और अकबर ने 500 बीघा जमीन इन्हीं को दान में दी थी, गुरु रामदास को। और गुरु रामदास ने उस जमीन पर एक शहर बसाया जिसे अमृतसर के नाम से जाना जाता है। हालांकि उन्होंने एक तालाब बनवाया था, उस तालाब को अमृतसर कहा गया, और उसी के आसपास जब एक बस्ती बस गई उसी को अमृतसर शहर का नाम दे दिया गया। तो अमृतसर शहर की स्थापना का अगर आपसे पूछता है कि किसने की थी स्थापना अमृतसर की, तो अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। और ये सिखों के कौन से गुरु हैं? चौथे। सवाल ये भी आता है कि अकबर के किस सिख गुरु के साथ संबंध बहुत अच्छे थे? तो उनका नाम भी रामदास है। रामदास सिखों के गुरु हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, चौथे गुरु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? तो कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है? तो वो 5वें गुरु हैं, उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इसका सही आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं इसका संकलन किया था। अब इसके पीछे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। आदि ग्रंथ सिखों का जो ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, उसको आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं, आदि ग्रंथ कहते हैं। इस चीज को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, आदि ग्रंथ कहा जाता है, और बाद में इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब पड़ गया। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों में 10 गुरु हुए हैं, कितने गुरु हुए? 10 गुरु। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद कोई 11वां गुरु नहीं हुआ, क्योंकि हुआ ऐसा कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें, गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र थे। इन्हें साहिबजादों के नाम से जाना जाता है। इनके नाम है अजीत सिंह, दूसरे का नाम था जुझार सिंह,
जुझार सिंह, तीसरे हैं उनका नाम है जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, और चौथे जो साहिबजादे थे उनका नाम था फतेह सिंह, फतेह सिंह। ये चार, इनमें से जो दो हैं ये युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, इन दोनों को वीरगति प्राप्त हुई युद्ध के मैदान में लड़ते हुए, अजीत सिंह और जुझार सिंह को। इसके अलावा जो दो हैं जुझावर सिंह और फतेह सिंह, इनको दीवार में चिनवा दिया गया जिंदा, मुगलों के द्वारा दीवार में चिनवा दिया गया। अब गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, तो गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह गुरु बने थे, लेकिन अब गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चे नहीं रहे, वो शहीद हो गए। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया, वो इस योग्य किसी को नहीं मानते थे और कि कोई गुरु बन पाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी जो पुस्तक है, जो आदि ग्रंथ है, अब वही हमारा गुरु होगा। यानी इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई है। कहने का मतलब सिखों के जो दसवें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ही ये व्यवस्था की कि हमारे आदि ग्रंथ को हम गुरु के समान अपने मानेंगे, जो गुरु को हम सम्मान देते हैं वही सम्मान हमारे आदि ग्रंथ को दिया जाए। तब से इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब पड़ गया, तब से आदि ग्रंथ को क्या कहा जाने लगा, गुरु ग्रंथ साहिब। और इस गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। देखिए इस क्वेश्चन में आप यहां देख सकते हो, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा किया गया है, तो वो किया है गुरु अर्जुन देव ने, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव जो है, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड प्रदान किया गया था जहांगीर के द्वारा, अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा। यह मृत्युदंड जहांगीर ने प्रदान किया था, उस समय जहांगीर मुगल बादशाह था। और ऐसा क्यों हुआ उसको भी जान लीजिएगा। जब जहांगीर शासक बना 1605 में, वो 1605 से लेकर 1627 तक मुगल बादशाह रहा है जहांगीर, और 1605 में शासक बनने के बाद 1606 ईस्वी में उसके बेटे ने, जहांगीर के बेटे ने, जहांगीर के बेटे का नाम है खुसरो। इसके दो प्रमुख बेटे हैं, एक का नाम है खुसरो और एक बेटे का नाम है खुर्रम, खुसरो और खुर्रम। इस खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ, और इस विद्रोह में ऐसा कहा जाता है कि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का समर्थन किया था, इस कारण से जहांगीर ने उनको मृत्युदंड दिया था। ये इतिहास में ऐसी बात हमें बताई जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये जो खुर्रम है, खुर्रम, यही खुर्रम आगे चल के इसका उत्तराधिकारी बनेगा जहांगीर का, और ये शाहजहां के नाम से जाना जाएगा। तो शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। एक सवाल और आता है खुसरो के बारे में आता है, जो कि खुसरो बड़ा बेटा है जहांगीर का, जिसने विद्रोह किया था 1606 में, कि खुसरो का मकबरा कहाँ है, खुसरो की कब्र कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, खुसरो की कब्र इलाहाबाद या प्रयागराज में है, इलाहाबाद और प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद कह लीजिए या प्रयागराज कह लीजिए, इलाहाबाद या प्रयागराज में खुसरो की कब्र है। ठीक, इन बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था, यानी सिखों को खालसा में किसने बदला, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिखों को खालसा में किसने बदला, ये सवाल यहां पर है। सिक्कों को खालसा में किसने बदला, तो देखिए सिक्कों को खालसा में बदलने का कार्य किया है गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने शायद ध्यान ना दी हो कभी, लेकिन ध्यान दीजिए, सिखों के दस गुरु हैं, अभी मैं आपको दसों गुरु के नाम भी बताऊंगा, उसमें से केवल एक ही गुरु ऐसे हैं अंतिम गुरु जिनको हम गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, उनके नाम के आगे सिंह आता है, बाकी किसी भी गुरु के नाम के आगे सिंह नहीं है। इसका मतलब जो सिंह लगाने की परंपरा है सिखों के नाम में, वो शुरू की थी गुरु गोविंद सिंह ने, तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह के नाम के आगे सिंह आता है और किसी के नाम के आगे सिंह नहीं आता है। जैसे मैं आपको यहां पर अगर बताता हूं तो देखिएगा, एक बार अगर मैं 10 गुरुओं की बात करूं कि 10 गुरु कौन है सिखों के, अगर हम 10 गुरुओं की बात करें तो देखिए एक बार, सिखों के 10 गुरु, इनका क्रम याद रखिएगा, देखिए कौन कौन है। सबसे पहले गुरु हैं नानक देव, गुरु नानक देव। दूसरे गुरु हैं अंगद देव, अंगद देव। तीसरे गुरु का नाम है अमरदास, अमरदास। चौथे गुरु का नाम है रामदास, रामदास। पांचवें गुरु का नाम है अर्जुन देव, और अर्जुन देव के बारे में क्या याद रखना है, इनको मृत्युदंड प्रदान किया गया था जहांगीर के द्वारा। छठे गुरु का नाम है
हर गोविंद सातवें गुरु का नाम है, हर राय आठवें गुरु हैं, हर किशन नवे गुरु का नाम है तेग बहादुर, और दसवें गुरु का नाम है गोविंद सिंह। तो आप देख सकते हैं किसी भी गुरु के नाम के आगे सिंह नहीं है सिवाय गुरु गोविंद सिंह के। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही सिंह लगाने की परंपरा शुरू की। उन्होंने ये परंपरा शुरू की कि पुरुष जो सिखों में हैं वो अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे और महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाएंगी। सिंह का मतलब शेर होता है और कौर का मतलब राजकुमारी होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर इन नामों में सब में देख सकते हैं, ये आपको सिंह केवल इनके ही नाम में मिलेगा। तो सिंह लगाने की परंपरा किसने शुरू की है? गुरु गोविंद सिंह ने। और इन्होंने ही सिखों को खालसा में परिवर्तित किया था। खालसा में परिवर्तित करने वाले गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। और सिंह और कौर लगाने की परंपरा शुरू करने वाले भी कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है जो बड़ी फेमस है, जफरनामा। तो सवाल आता है जफरनामा के रचयिता कौन है? तो जफरनामा के रचयिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह। हालांकि जफरनामा में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को लिखे गए कुछ लेटर्स हैं, कुछ पत्र हैं, उनको ही एक साथ संकलित करके एक पुस्तक बनाई गई है। उस पुस्तक को हम जफरनामा के नाम से जानते हैं। तो जफरनामा के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों के नाम जिनको साहिबजादा के नाम से जाना जाता है वो भी आपको याद रखना है। और 26 दिसंबर को सरकार ने 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर किसके शिष्य हैं? पहले तो ये ध्यान रखना है। तो बंदा बहादुर किसके शिष्य थे? बंदा बहादुर शिष्य हैं गुरु गोविंद सिंह के। और बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। इन्होंने बहुत कम उम्र में संन्यास धारण कर लिया था और जंगलों में तपस्या करने लगे थे। और गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होकर ये गुरु गोविंद सिंह की सेना में शामिल हुए और इन्होंने अपना नाम बदलकर बंदा बहादुर कर लिया। क्या नाम कर लिया? बंदा बहादुर। और बहुत लंबे समय तक इन्होंने मुगलों को परेशान भी किया और बहुत बड़ा एक क्षेत्र मुगलों से जीतकर सिख साम्राज्य में शामिल कर दिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण देव इनका नाम था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बड़ा अच्छा सवाल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला सातवां क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? अभी तक हम क्वेश्चन सिख से संबंधित कर रहे थे, सिख धर्म से जुड़े हुए गुरुओं से जुड़े हुए क्वेश्चन कर रहे थे। अब हमने कुछ क्वेश्चन मराठा साम्राज्य से लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में आते हैं, ये भी ध्यान रखना। देखिएगा क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है, यानी मराठों का जो उत्कर्ष हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मराठों के उत्कर्ष की जो बात आ रही है वो कहां से शुरू होती है। देखिए मराठों को एक करने का जो काम है, क्योंकि मराठे कई जातियों में विभाजित थे पहले, तो मराठों को एक साथ जोड़ने का काम सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की परिकल्पना की थी और उन्होंने सभी मराठों को एक कर दिया। इसके बाद मराठे कई हिस्सों में, जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो मराठा साम्राज्य कई हिस्सों में बट जाता है। उसमें कई सारे जैसे गायकवाड़ होते हैं, सिंधिया होते हैं, होलकर होते हैं, इस तरह से कई क्षेत्रों में बटा। अब यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछ रहा है, मराठों के उत्कर्ष की जब ये बात कर रहा है तो शिवाजी की मृत्यु के बाद, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु तक तो मराठे बहुत शक्तिशाली थे ही, लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य था वो बिखर गया। उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगलों का पतन शुरू होता है। और इन मुगलों के पतन में क्षेत्रीय शक्तियां उभरना चालू करती हैं, जैसे मैसूर का साम्राज्य, इसके अलावा आपका हैदराबाद की स्थापना होती है, इसके बाद मराठों का उत्कर्ष होता है। तो क्षेत्रीय शक्तियों में जो उत्कर्ष हो रहा है उसमें सबसे सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर जो निकले वो कौन थे? वो थे मराठे। तो मराठों के उत्कर्ष का कारण क्या है, यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा है, क्या कारण रहा मराठों के उत्कर्ष होने का? तो पहला ऑप्शन है धार्मिक चेतना, दूसरा भौगोलिक सुरक्षा, तीसरा राजनीतिक जागृति, चौथा उच्च नेतृत्व शक्ति, और ई है उपयुक्त सभी। तो इसका कारण होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी कारण रहे मराठाओं के उत्थान के, मराठाओं के उदय के, मराठाओं के उत्कर्ष के। तो कौन कौन से कारण है? धार्मिक चेतना का विकास, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। और आप देखते भी हो कि बालाजी विश्वनाथ जैसे नेतृत्वकर्ता मराठा साम्राज्य को मिलते हैं, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, ऐसे महान योद्धाओं की वजह से मराठा साम्राज्य उत्कर्ष पर पहुंचा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। शिवाजी ने
मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? सबसे पहला है पुरंदर का युद्ध, नहीं पुरंदर आपको मालूम है, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और पुरंदर में मिर्जा राजा जयसिंह ने जाकर शिवाजी को घेर लिया था पुरंदर के किले में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पुरंदर में मिर्जा राजा जयसिंह ने जाकर शिवाजी को घेर लिया था और वहां पर शिवाजी को एक संधि करनी पड़ी थी जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं, जो 1665 ईस्वी में हुई, तो यहां पर शिवाजी जीते नहीं है। ठीक, यहां पर दूसरा है सलहार का युद्ध और यही इसका आंसर होगा, 1672 में सलहार के युद्ध में, सलहार का युद्ध इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था। सलहार का युद्ध 1672 में हुआ और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया 1674 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल कई बार आया हुआ है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था 1674 ईस्वी में रायगढ़ में, रायगढ़ में, रायगढ़ में। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की? देखिए अभी मैंने आपको बताया, अगला क्वेश्चन यही है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की? तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण की थी जब अपना राज्याभिषेक कराया, तो इसका मतलब यह हुआ कि शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के समय छत्रपति की उपाधि धारण की, राज्याभिषेक के समय चक्रवर्ती की उपाधि धारण की, राज्याभिषेक के समय छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, छत्रपति, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, इसके बाद जो इनके बाद उत्तराधिकारी होंगे वो भी अपने नाम के आगे छत्रपति लगाएंगे, जिसमें आपने छत्रपति संभाजी महाराज का, इसके अलावा छत्रपति शाहूजी महाराज का नाम सुना होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला, वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने, ध्यान रखना मुगलों ने नहीं, बीजापुर के सुल्तान ने, तो इनायत खां, अफजल खां, सैयद बांदा और जयसिंह प्रथम। तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से बता सकते हो, मैं आपको बता देता हूं, 1659 में एक लड़ाई हुई है शिवाजी की, नाम है प्रतापगढ़ की लड़ाई, क्या नाम है? प्रतापगढ़ की लड़ाई। तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर के सुल्तान ने जिसको भेजा था उसका नाम था अफजल खां, और ये कहानी आपने बहुत सुनी होंगी कि शिवाजी ने बगनक की सहायता से अफजल खान को मार दिया था। ठीक, अफजल खान ने बिना किसी हथियार के शिवाजी को मिलने बुलाया था, जहां वो उनका इंतजार कर रहा था, तो शिवाजी अब अपने साथ बगनक लेकर गए क्योंकि उनको पता था कि अफजल खान उन्हें बुला किस ले रहा है। अफजल खान शरीर में बहुत बड़ा था, उसकी हाइट लगभग 7 फीट के आसपास बताई जाती है और शिवाजी औसत कद के व्यक्ति थे, उनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं थी, तो उन्हें पता था ये जरूर हम पर वार करेगा, तो उसके बाद जब शिवाजी मिलने जाते हैं, शिवाजी को पकड़ लेता है, तब शिवाजी अपने पास से बगनक निकालते हैं और उसके पेट में घुसा देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी विजय थी और बीजापुर के सुल्तान को बड़ा झटका लगता है और शिवाजी का नाम तक मुगलों के पास पहुंच जाता है कि एक व्यक्ति ने अफजल खान की हत्या कर दी। अफजल खान बहुत कुशल सेनानायक और बहुत शक्तिशाली सेनानायक माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल अधिकारियों को चुनिए। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन से अधिकारी शामिल थे? तो सबसे पहले हम अष्टप्रधान ही देख लेते हैं कौन कौन थे। देखिएगा, अष्टप्रधान में, शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल है? तो पेशवा आमात्य, जिन्हें मजूमदार के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा सरे नौबत, जिसको सेनापति भी कहा जाता है, सरे नौबत का मतलब यहाँ पर क्या है? सेनापति। इसके अलावा वाकिया नवीस, सुरुनवीस, और सुरुनवीस को सचिव के नाम से भी जाना जाता है, इसको सचिव कहा जाता है। इसके अलावा सुमंत या दबीर, इनको विदेशी संबंध, ये विदेशी संबंधों से संबंधित थे, यानी विदेशों के किस विदेशी राज्य से संबंध बनाने हैं, किससे नहीं बनाने, ये इनके ऊपर निर्भर करता था। इसके अलावा पंडित राव, और इसके अलावा न्यायाधीश, धर्म का अधिकारी था, धार्मिक अधिकारी, धर्म से संबंधित अधिकारी को पंडित राव के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये 8 थे। यहाँ पर लिखा है अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है, और अष्ट दिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे, तो इन दो को याद रखना, अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है जबकि अष्ट दिग्गज का संबंध विजयनगर के शासक राजा कृष्णदेव राय से है। अब जरा आंसर लगाइएगा इसका, शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल अधिकारियों को चुनना है, तो बताइए कौन कौन होंगे? तो बताइए, पहला मजूमदार होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसको आमात्य के नाम से भी जानते हैं, इनको आमात्य भी कहा जाता है, ये सही है बिल्कुल। दबीर को सुमंत भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों होंगे। तीसरा है सरे नौबत, सेनापति कहा जाता है, सही है। पेशवा तो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, ये बिल्कुल सही होगा, पेशवा यानी प्रधानमंत्री। ठीक, तो चारों होंगे, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, ये चौथा वाला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो शासनकाल के क्रम में लगाना है, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव, ये पेशवाओं के नाम दिए हैं। तो बताइए सबसे पहला पेशवा कौन था? तो सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, यानी तीन बालाजी विश्वनाथ। छत्रपति साहू जी महाराज जो थे उनका पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, तो तीन पर आ गया। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम, तो एक आ गया, जिनको बाजीराव बल्लाड़ के नाम से भी जानते हैं, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के पुत्र थे बालाजी बाजीराव, नाना साहेब के नाम से भी इनको जानते हैं, तो दो ये हो गया। इसके बाद आएगा माधवराव, चार, तीन एक दो चार, ये देखिएगा तीन एक दो चार, ये वाला आंसर इसका सही होगा, तीन एक दो चार, ये वाला आंसर सही होगा, तीन एक दो चार। अच्छा, इसमें यहीं तक क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ये इस वीडियो का पार्ट वन समझ लीजिए, और पार्ट वन पार्ट टू इस तरह से लगातार सीरीज आती रहेगी। यहाँ पे क्वेश्चन यहीं तक है और अगले क्वेश्चन अगले सीरीज में करेंगे हम लोग। रोज हमारे साथ जुड़िएगा और एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपके साथ खत्म करेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कोशिश करेंगे हम लोग साथ में यहीं पर कर लें और फुल डिटेल में कर लें, एक बार सारी चीज़ें उसमें जान लें। एक बार वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।